नमस्कार, डीसीपी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर देहरादून के पछवादून से आ रही है, जहां सिसंबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र के विरोध में आज क्षेत्रवासियों द्वारा उत्तराखंड सरकार की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा सेलाकोई मुख्य बाजार से शुरू होकर सिसंबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र पर समाप्त की गई, जहाँ सरकार के मुर्दे को आग के हवाले किया। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि त्रिवेंद्र सरकार माफियाओं के इशारे पर कार्य कर रही है, माफिया जो चाह रहा है सरकार वो कार्य कर रही है। निस्तारण केंद्र की वजह से 5 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन सूद लेने को तैयार नहीं है। हवा पानी जहरीला हो गया है, लेकिन सरकार जाँच कराने को भी तैयार नहीं है, और न ही फर्जी रिपोर्ट लगाने वाले सरकारी विभागों पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और न ही कूड़ा निस्तारण केंद्र के भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व मेयर विनोद चमोली पर ही मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और न ही 75 मीटर पानी का स्तर बताने वाले जल संस्थान के अधिकारी की रिपोर्ट की जांच की जा रही है। आरोप लगाया कि कूड़ा निस्तारण केंद्र में हुए भ्रष्टाचार और कमाई में कई सफेदपोश और सरकारी विभाग शामिल है, जिन्हें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बचाने का कार्य कर रहा है। कहा कि जीरो टॉलरेंस महज एक जुमला है, प्रदेश में माफिया राज चल रहा है, प्रदेश को मुख्यमंत्री नहीं बल्कि माफिया चला रहे हैं। ग्रामीणों ने सोमवार से भूख हड़ताल की चेतावनी दी है, साथ ही अगर सरकार जल्द ही निस्तारण केंद्र हटाने का काम नहीं करती है तो आंदोलनकारी किसी भी हद तक जाने को बाध्य होंगे। शव यात्रा में आज लक्ष्मी अग्रवाल, सतपाल धानिया, दौलत कुंवर, नीलम थापा, राजेश शर्मा, नीता शर्मा, रुक्मणी सजवान, आशा रावत, सुधीर रावत, राशिद पहलवान, साहिल खान, पूनम पवार, विकास रावत, युगम्बर रावत, गणेश रतोड़ी, मनीषा झा, अंकित सचिन, सुरेंद्र चौधरी, सीएम जोशी, शशि कुमार, निरंजन चौहान, संदीप भंडारी, नीमा जोशी, विनीता रावत, दीपा जोशी, नीति पवार, बीना कंडारी, राखी नेगी, राहुल कुकरेती, शराफत अली, सुमित चौधरी, अमित अग्रवाल, ऋषिपाल ठाकुर, रजनीश कंबोज, भगवान सिंह राठौर, मोहसिन दिलसाद, शमशाद आदि मौजूद रहे। देखिए, आज 80 दिन हो चुके हैं और जिस तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से, जब यह सरकार नहीं बनी थी तो अच्छे दिन का वादा किया गया था, विशेष करके पछवादून के अंदर लाखों लोगों के लिए बीमारी का अड्डा बनाया गया, महामारी फैल चुकी है, कैंसर का रूप धारण कर चुकी है। यह शीशमवाड़ा का जो कूड़ा घर है, इसको हटाने के लिए यहाँ की जनता ने ना जाने क्या क्या जतन कर लिए, लेकिन यह डबल इंजन की सरकार जो धुआं छोड़ रही है, संवैधानिक दायरे में रहकर सभी पीड़ितों ने आज यहां पर शव यात्रा निकालकर सरकार के शव दाह कर दिया गया है, और अगर इसके बाद भी सरकार नहीं चेती तो 3 जनवरी 2020 को देहरादून के अंदर ढोल बाजे के साथ में, रण सिंह के साथ में हम लोग एक बार पुनः सरकार को जगाने के लिए सचिवालय घेराव करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं जागती है तो मैं परेड ग्राउंड में आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। मैं सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से ये वादा कर रहा हूँ। निकाली गई है आज सरकार की, क्या है मामला? देखिए, जिस तरह से लगातार जब से ये कूड़ा घर यहाँ पे बना है, लगातार लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करना भी वाजिब है कि जिस तरह से हजारों लाखों लोगों का जीवन जो है वो खतरे में, संकट में आ गया है, यहाँ पे तमाम तरह की सांस लेना लोगों का दुभर हो गया है, जो पीने का पानी है वो दूषित हो गया है, तो निश्चित रूप से लोग तिल तिल मरने को यहाँ पे मजबूर हैं, और इस सरकार के बार बार चेताने के बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रह रही है, तो लोग जो है वो मजबूर है, जनता मजबूर हो गई, उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगला कदम क्या रहेगा आपको अगर सरकार बदली है? देखिए, अब जनता जो है वो चुप नहीं बैठने वाली, हम लोग घर में नहीं बैठने वाले, कि जिस तरह से हम उस परेशानी का सामना रात दिन कर रहे हैं, हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बीमारियां हो रही हैं, स्किन की बीमारी है, उनको कई तरह के प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हम इस कूड़ा घर को यहाँ से हटा कर ही रख लेंगे।